आज राहुल गांधी सोमनाथ पहुंचे और सोमनाथ पहुंचने के साथ ही एक विवाद शुरू हो गया भाजपा की तरफ से, और वो विवाद था बड़ा गहरा। एक शिव भक्त के ऊपर आरोप लगाया गया है, वो शिव भक्त के ऊपर जो सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिसके बारे में शायद मोदी जी को भी कुछ नहीं पता होगा। आज जब राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर पहुंचे, गले में माला डाले हुए पक्के शिव भक्त नजर आ रहे थे, उनके बारे में आरोप लगे तो उसकी सफाई भी दी। विजिटर बुक्स के उनके लिखे हुए पॉइंट्स भी हमारे पास आ चुके हैं और वो दिखाए जा रहे हैं आपको, और वहां पूजा की। एक हिंदू ही पूजा कर सकता है सोमनाथ मंदिर में, कोई गैर हिंदू नहीं कर सकता। अगर ये सवाल उठाया जा रहा है कि गैर हिंदू ने पूजा की, तो फिर ये कौन मीडिया के लोग हैं जो इस तरह की बातें उठाते हैं। शिव जी का पूरे सम्मानजनक तरीके से, क्योंकि खुद शिव भक्त हैं राहुल, और एक ही बात उनके दिमाग में गूंजती रहती है जब वाक करने निकलते हैं तो वाकमैन में उनके शिव स्तुति उनके कानों में लगी रहती है। लेकिन कभी इस नेता ने कभी अपने बारे में नहीं बताया, ना पिछले कभी किसी प्रधानमंत्री ने बताया कि वो कितने बड़े हिंदू हैं या कितने बड़े शिव भक्त हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कभी नहीं बताया, किसने नहीं बताया। आज खुद भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने पर तुली हुई है कि राहुल गांधी असली हिंदू हैं कि नकली हिंदू हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी पैदल चल करके अमरनाथ की यात्रा करता है, वो व्यक्ति पैदल कभी मोदी जी ने की नहीं की। शंकराचार्य के सामने बच्चों जैसे खड़े हो जाते हैं, एक मासूम भक्त ही ऐसा कर सकता है। शिव का भक्त जो आदर भाव रखता हो सन्यासियों के प्रति, कटु भाव नहीं रखते, लेकिन वो जहां जाते हैं जिस जगह जाते हैं, और गुजरात पर अपनी जिस तरह से आवाज छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सिंहासन हिलने लगा है दोस्तों। इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। मोदी जी रोने लगे हैं अपनी जनसभाओं में, उनके पास अपने बातों का जो किए थे जवाब नहीं है, बस डर गए एक शिव भक्त से, जो शिव भक्त विरक्त था सत्ता से, भगवान शिव की तरह, जिसने कभी सत्ता का कोई पद नहीं लिया, सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, सबको अपने ढंग से काम करने दिया। आज उसी को निशाना बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये भी बड़ी विडंबना है, उनकी आस्था देखिए, हाथ जोड़ के विनम्र भाव से खड़े हुए। ये सुल्तान की भाषा नहीं हो सकती। शंकराचार्य को गिरने से बचाते हुए देखिए उनको, ये हैं राहुल गांधी। सोमनाथ मंदिर के द्वार पर हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ खड़े हुए राहुल गांधी को देखिए। राहुल गांधी मंदिर जाएं तो नाटक, और प्रधानमंत्री मोदी जुमले बोलें तो वो देशभक्ति, देशभक्ति भी साबित करनी पड़ेगी। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने तर्पण किया था अपने पिता का हिंदू रीति रिवाजों के द्वारा। वही कर सकता है जो हिंदू हो, अपने पिता को अग्नि दी थी, शुद्धिकरण किया था, उससे ही साबित हो जाता है वो हिंदू बन जाता है जो इस प्रक्रिया का पालन कर लेता है। और कोई जवाब नहीं सूझा। हम भी ये चीजें लाना नहीं चाहते थे लेकिन लानी पड़ रही है। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए।